हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि CUET PG के जो एग्ज़ाम है 2023 के लिए, जो CUET PG एग्ज़ाम होने वाला है, क्या उसकी एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब से एग्ज़ाम पॉसिबल है। तो ये सारी जो चर्चा है, ये सारी जो चीज़ें हैं, हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो के अंदर। बहुत दिनों से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर क्या CUET PG का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, और अगर पोस्टपोन्ड होता है तो कब से होगा। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अब वीडियो बनाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स कह भी रहे थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो CUET UG के एग्ज़ाम हैं, CUET UG के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 21 मई से ना। CUET UG के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 21 मई से। ये किसके एग्जाम है? CUET UG के हैं, और ये कल से स्टार्ट हो रहे हैं। इनका शेड्यूल वगैरह सब कुछ आ चुका है। पहले क्या था, ये जो एग्ज़ाम थे ये 21 मई से स्टार्ट होकर और 31 मई तक चलने वाले थे, यानी कि 31 मई तक ये खत्म होने वाले थे। परंतु कल एक न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ के अंदर क्या आता है कि जो ये एग्जाम है जो कि 21 मई से लेके और 31 मई तक होने वाले थे थ्रू आउट द इंडिया 24 सिटीज के अंदर, अभी NTA ने क्या किया है, ये जो एग्जाम डेट है इसको एक्सटेंड करके 1 जून 2 जून तक कर दिया है। 1 जून 2 जून और 5 जून और 6 जून। रीजन उसका क्या दिया है कि कई सिटीज के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस वजह से एग्जाम डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, और एक्सटेंड करके ये जो डेट्स हैं 1 और 2 यानी कि 1 और 2 जून और उसके अलावा 5 और 6 जून कर दी गई, 5 और 6 जून कर दी गई हैं। और इसके अलावा 7 और 8 जून को बफर डे रखा गया है, यानी कि अगर कुछ भी अनहैपनिंग होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो उस केस में 7 और 8 तारीख को एग्जाम करा लिए जाएंगे। अब आप लोगों के एग्जाम, यानी कि जो लोग CUET PG का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, उनके जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले थे 5 जून से, ठीक है। और ये डेट थी पहले 5 जून से और 12 जून तक, अभी भी यही डेट है। अभी डेट्स के बारे में कुछ भी नहीं चेंज हुआ है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 20 मई को, तो अभी तक डेट 5 जून है। अभी हम लोग एक एंटिसिपेशन लगा रहे हैं कि जो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। तो अभी भी जो एग्जाम डेट है वो 5 जून है। तो अब आप खुद एक बार चेक कीजिए, खुद सोचिए कि जो एग्जाम ऑफिशियली जो एग्जाम है यूजी के, CUET यूजी के, वो 6 जून तक होने हैं, और लगभग उन्हीं सिटीज के अंदर एग्जाम हो रहे हैं यूजी के भी जिनके अंदर पीजी के एग्जाम होने हैं। तो 5 जून से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला था वो मुझे नहीं लगता 5 जून से स्टार्ट होगा, और ना ही वो 6 से स्टार्ट होगा। 7 और 8 को बफर रखा गया है, तो उस दिन भी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि 7 और 8 को भी एग्जाम स्टार्ट हो। फिर जब ये एग्जाम डेट्स आई थी तो भी हमने डिस्कस ये किया था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो एग्जामिनेशन हैं वो जून में स्टार्ट होने हैं। ऐसी ईस्ट साइड की बहुत यूनिवर्सिटीज है, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके जो एग्जाम है वो 5 जून से स्टार्ट होने, 5 जून से स्टार्ट होने हैं। तो ये बहुत कम पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी पहले भी, बच्चों का ये इशू भी था कि हमारे एग्जाम्स है तो हम पीजी का एग्जाम कैसे दें, और एग्जाम तो सबको देना है। तो उस केस में बहुत सारे मेल्स पहुंच भी रहे हैं और अभी भी किए जा रहे हैं NTA की वेबसाइट के ऊपर रेगुलरली कि हमारे एग्जाम हैं और ये जो एग्जाम डेट है इसको पोस्टपोन किया जाए। तो मुझे अभी ये लगता है कि जो एग्जाम 5 जून या 12 जून, 5 जून से स्टार्ट होकर 12 जून तक जाने वाले थे, मुझे ऐसा लगता है अब ये जो एग्जाम है ये एक्सपेक्टेड है, या जो ये एग्जाम है ये जाएंगे, शिफ्ट होंगे कब तक, अबाउट 15 जून, लगभग 15 जून तक ये एग्जाम शिफ्ट होने चाहिए। 15 जून के बाद ये एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, होंगे जून में ही ये तय है, पर 15 जून तक तो मुझे नहीं लगता ये एग्जाम होंगे। हालांकि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कतई ये नहीं मानना है, ये मानकर अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढीलपन नहीं छोड़ देना है, बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन को ढीला नहीं पड़ने देना है। आपको अपनी प्रिपरेशन 5 जून के अकॉर्डिंग ही करनी है। ये मेरा एक एंटिसिपेशन है कि 15 जून से एग्जाम पॉसिबल है कि हो या 15 जून के बाद हो,
हो सकता है ये एंटिसिपेशन गलत भी हो, मैं कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट्स है उनके बेस पर आपको बता रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। परंतु अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब तक आपके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तो मेरा वीडियो देखकर या किसी और का वीडियो देखकर ये मन में पाल के मत बैठ जाना कि एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होगी। एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होने के चांसेस है, उसको मानना तभी जब आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख लो, नहीं तो अच्छी खासी जो प्रिपरेशन चल रही है उसकी बैंड बज जाएगी। ठीक है, तो आपका जो ये डाउट चल रहा है कि एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होगी नहीं होगी, चांसेस है हो सकती है, माना तभी जाएगा जब हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो 5 जून के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू रखिए। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं, जो एनटीए की वेबसाइट पर ईमेल आईडी दी हुई है उन ईमेल आईडीज पर आप मैसेज डाल दीजिए, ईमेल कर दीजिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है कि हमारे एग्जाम है, हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम है, वो वहां पर सर्कुलेट कर दीजिए, वहां पर फॉर्म जो मेल है वो सेंड कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेल सेंड कीजिए सो दैट कि जो आपके एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर कह रहा हूं कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक ये नहीं मानना है कि एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।